आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जम्मू ट्रेवल्स में। आज हम पहुंच चुके हैं, ये चनैनी का एरिया है, हम चनैनी की मार्केट में हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्वीट शॉप्स है, काफ़ी बढ़िया शॉप्स हैं यहाँ पे, स्वीट शॉप्स के साथ रेडीमेड की शॉप्स है। तो आज हम आपको इन सभी शॉप्स पे ले जाएंगे। सो बी रेडी फ्रेंड्स टू विटनेस अ ब्यूटीफुल एरिया। कम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम हैं बस स्टैंड चनैनी में। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे सभी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, किराना की शॉप है, फूड अवेलेबल है। उसी के साथ आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सब्ज़ी भी इजीली एक्सेसिबल होगी। जो सब्ज़ी यहाँ पे मिलती है वो शुद्ध महादेव के एरिया से लाई जाती है, ये सब्ज़ी यहीं पर उगाई जाती है। काफ़ी बढ़िया सब्ज़ी है ये, और काफ़ी सस्ती सब्ज़ी मिलेगी आपको यहाँ पे। अगर कभी आप गुजरें यहाँ से तो आप सब्ज़ी घर के लिए जो वेजिटेबल्स होती हैं और एडेबल्स आप ले सकते हैं। फ्रूट भी मैक्सिमम फ्रूट आपको नहीं मिलेगा, बट कुछ फ्रूट गिने चुने फ्रूट आपको मिल सकते हैं यहाँ से। चनैनी का बस स्टैंड है ये, काफ़ी बढ़िया खूबसूरत नज़ारा, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। आज संडे का दिन है और भीड़ काफ़ी है आज भी यहाँ पर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और ताज़ा सब्ज़ी है यहाँ पे। ये सब्ज़ी जो शुद्ध महादेव के एरिया से लाई जाती है और काफ़ी चीप सब्ज़ी है। क्या रेट है सर इसका? नोल कोल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हमारी देसी ज़ुबान में इसको कड़म कहा जाता है। ये 20 रुपये के जी है, काफ़ी चीप है, काफ़ी फ्रेश सब्ज़ी है ये। इनके हमारे साथ जिनके घर पर ये सब्ज़ी उगाई जाती है, हमारे साथ एक है सर, आपका नाम क्या है? अजीत। ये अजीत सिंह जी हैं, ये अपने घर पे सब्ज़ी उगाते हैं। आप सब्ज़ी कैसे उगाते हैं? सब्ज़ी घर पे लगाते हैं उसको, इसमें खाद वाद तो नहीं डालते? वो कम डालते हैं थोड़ा। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है। काफ़ी बढ़िया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं काफ़ी ये टमाटर और बाकी चीज़ें काफ़ी फ्रेश है। टमाटर देख सकते हैं आप, इसमें फ्रेश टमाटर है, उसके बाद खीरा है, बीन्स हैं, और फ्रूट्स भी, फ्रूट्स वगैरह भी हैं। काफ़ी गिने चुने फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं यहाँ से। और ये चीज़ जो है इसको, इसका आप अचार भी डाल सकते हैं और ये इजीली खा भी सकते हैं।